लगा तो महसूस हुआ कि नहीं चलिए इन लोगों के लिए भी एक रेस्टोरेंट तो खुला है, आगे बढ़ने का इन लोग का तो रास्ता बना ना कि आगे भी लोग सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार में हूँ और बिहार की राजधानी पटना में सदरनी रेस्टोरेंट के अंदर, और अभी मेरे साथ है रेशमा जी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और बहुत से ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं, इन्होंने जो होटल खोला है जिसमें सारे लोग काम कर रहे हैं ट्रांस समुदाय से ही हैं, तो जानेंगे कि इनका क्या सपना था और इन्होंने कब से ये सपना देखा था। मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि इनका सपना था जो उनका अब पूरा हुआ है। सतरंगी नाम है तो समझ सकते हैं कि सातों रंग इसमें शामिल हैं और जीवन के हर एक उस रंग को समेटना चाहती हूँ कि लोग समझ पाएँ हम और हमारे साथियों के बारे में कि हम भी इंसान हैं। और इसी संघर्ष में हमने सोचा कि हम कैसे जिंदा माध्यम के रास्ते को एक अलग तरीके से दे सकते हैं। लोगों ने सिर्फ सांस्कृतिक तरीके देखे या कभी ट्रेनों में देखा, कभी सेक्सपोर्ट के लिए देखा, या कभी रास्ते पे देखा, कभी रोते देखा, कभी चिल्लाते देखा, कभी हंसते देखा, लेकिन वो नहीं देखा जो देखना चाहिए। तो मुख्यधारा तो मैं कोई मानती नहीं हूँ, आप जो भी रोजगार करते हैं वो मुख्यधारा होती है, लेकिन जो सामाजिक रूप से सामाजिकता को स्थापित करने वाली बात है उसी में हम समाज में स्थापित कर रहे हैं कि हम आपसे कम चलाएगा नहीं रेस्टोरेंट का सपना। रेस्टोरेंट का ऐसा कोई सपना नहीं था, सपना था जीविका बाजार और रोजगार, तो ये दोनों चीज़ एक ही जगह हो सकती है और इसके अलावा समाज से जुड़ने का बात हो गया। तो यहाँ पे लोग आते हैं और हमें देखते हैं, समझते हैं और इस तरीके से ये रेस्टोरेंट की शुरुआत को मौका मिलता है। लोग समझ जो रहते हैं उस समझ को हम बदलने के लिए ही ये सोच आगे लेना। हमने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, माइनर अचीवमेंट हमारे साथी हैं जो सचिव मानी से साथी थे, उन्होंने हमारे साथियों के लिए समय दे रहे हैं और लगभग चार घंटे बढ़ते हैं, छः घंटे से लेकर रात 10 बजे तक जैसी सर्विस होती है, उसी समय के दौरान लगातार खड़े होकर के उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आपको स्पून कैसे रखनी है, प्लेन कैसे रखना है, आपको मैट कैसे रखना है, आपको पानी कैसे देना है, आपको कैसे खड़ा होना है, नमक कैसे कैसे सर्व करने के टाइम में आप कैसे उठाओगे, किस तरीके से रखोगे, जो वस्तुएं हैं उसके बारे में कि आप पहले स्टार्टिंग लेते हो, उसके पहले क्या लेते हो, कॉकटेल लेते हो, उसके बाद मेन कोर्स होता है, उसके बाद आप स्वीट की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें को जोड़ करके ले करते हैं। और ये जो स्थितियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं कि वो लोग सीख जा रहे हैं, आगे चल करके किसी भी जगह पर उन्हें काम करना होगा या खुद का बिजनेस स्थापित करना होगा, तो ये एक उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। खराब होती है नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि लोगों की च्वाइस होती है खाना, आप इतना ही मैं बता दूँगी ये खाना अच्छा है वो खाना अच्छा है, खाना तो आप जो खाएंगे वही अच्छा है, तो आपकी चॉइस के अनुसार हम क्या बना पाएंगे और हम आपको क्या दे पाएंगे ये सबसे ज़्यादा चिंता करता है। और वो निश्चित तौर पे ये है कि हम उनकी पसंद के लगभग 230 फूड प्रोडक्ट के उत्पादन कर रहे हैं और उसमें से वो उसको निर्धारित कर सकते हैं तुमने क्या खाना है, क्या पसंद सरकार एनजीओ का योगदान रहा है या ऐसे कुछ बिजनेस जो यहाँ से समझाएंगे और एनजीओ समुदाय नहीं पहले से भी जो स्थितियाँ हैं उसमें कमल की किचन का जो पार्ट है वो लगातार बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है। हमने कोरोना के टाइम में देखा कि लोग छोटी छोटी जगह बना सकते और लेकिन सस्टेनेबिलिटी उसकी बहुत कम रही है, लोगों के सहयोग रहे, तो हमने कहा कि सस्टेनेबल मॉडल क्या हो सकता है, इसलिए अपनी जगह पे जहाँ पर किराया न लगे और उसको इस्टेब्लिश करके लोगों के बीच में लेकर के जाए, निश्चित तौर पर एक नया मॉडल दे पाए। सावन का महीना और रेस्टोरेंट के बिजनेस में सावन का जो महीना होता है पूरे माइक्रोलॉजी के हिसाब से लोग रेस्टोरेंट दो दूरी बनाते हैं, लेकिन ऐसे तो बात नहीं है, हमें अभी भी चैलेंजेस के बाद भी
अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं और हमें लगता है कि हम सफल होंगे, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते हैं और पहचान अच्छी होने से उसके बाद। आज आप यहाँ पे आए हैं सतरंगी रेस्टोरेंट में, कैसा लगा आपको? बढ़िया। क्या लिया आपने यहाँ पे? मैंने कॉफ़ी पी है। कैसी थी कॉफ़ी? बढ़िया थी। आप यहाँ आने से पहले क्या सोच कर रहे थे? सोच के रहे थे नया इंडिया जब सुने पहला रेस्टोरेंट ऐसा खुला है, चले देखते हैं। सर मैंने तो कभी ना नाम सुना था ना मैंने कभी जाना था। हमारे सर ने इसकी के बारे में बोला कि चलो गुजरात चलना है। मैंने कहा कि मैं भाई चल के देखता हूँ वहाँ क्या फैसिलिटी है, क्या सर्विस है। बस लेकिन आने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगा, खाने से लेकर हर चीज़ पर काफ़ी लाजवाब रहा। सरकारों का सहयोग भी होता है तभी कोई बदलाव होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई चेंजेज के लिए देखते हैं तो सरकार नागरिकों का सहयोग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम सिर्फ सतरंगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो हर एक जगह की बात कर रहे हैं कि जो रोजगार के साधन हैं उसके लिए कैसे समाज आगे आएगा, सरकारें आगे आएगी और हम सब मिलकर के उसे कैसे रोल मॉडल करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।